यो आकाशवाणी जम्मू है गोजरी में खास खास खबर नालो अबैदुर रहमान मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दावो कियो जे हुकूमत मुल्क मगराया और किसानों की जिंदगी का सिलसिला में तरक्की का वादा की पाबंद है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम शुरू होने पहला 40 दिहाड़ा में 10,000 इलाज मुफ्त में किया गया है और एल मुस्तफीद अफराद ने 7,21,00,000 रूपया मुहैया कराया गया है। वजीर आजम का दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकजी बजट 2021-22 घटो घट सरकारी निजाम और बदों बद इंतजामिया आला नजरिया की इक्कासी करे तो पुलिस ने इंदिरा गांधी बैन अलकौमी हवाई अड्डा दिल्ली ते जैश मोहम्मद तंजीम न ताल्लुक रखने वाले एक शख्स न गिरफ्तार किया है। खबर की तफसील न पहला मोहम्मद अमीन अंजुम। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार तरक्की का वादा की पाबंद है ते मुल्क के अंदर गरीब ते किसान लोगों की तरक्की वास्ते काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों नाल गलबात दा कई मरहला तय कर चुकी है ते किसी भी किसान तंजीम ने अजे तोड़ी कोई ऐसी गल नहीं रखी जिसकी सरकार ते किसानों विचकार तनाजा की वजह बनी हुए। इस ज़मन में बोलता मां वजीर मौसूफ ने इस तरह कहा, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार सर सम्मान बुलाकर बातचीत की है। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि आपको यह शंका कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, हम इस पर विचार करते हैं एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार है लोग। हुकूमत ने जानकारी देता हुआ कहा कि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम का शुरू होने के बाद का पहला 40 दिहाड़ा में 10,77,000 गोल्डन कार्ड दिया गया जबकि इन्हीं दिहाड़ा में 10,000 इलाज भी किए गए हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2020 स्कीम को ई इफ्तिताह किया था। स्कीम शुरू होने के ले गए पहला 40 दिहाड़ा में 10,000 मुफ्त और बिना नकदी इलाज किया गया जिसकी कीमत 7,21,00,000 रूपया दसी गई है। सेहत तिबी तालीम का मालिक कमिश्नर अटल डुल्लू ने कहा कि ABPMJAY सेहत स्कीम आम तिबी बीमा आले पासे एक तारीखी कदम है। वजीर आजम का दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बजट 2021-22 असल में वजीर आजम का घटो घट सरकार निजाम ते बदो बद इंतजामिया का नजरिया की अकासी करे। नवी दिल्ली में खबरी नुमाइंदा नाल गल करदा हां डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले चंद बरां में महकमा अदालत में असलाहत लियान वास्ते कई इकदाम चाया गया ताकि तेजी नाल इंसाफ दित्तो जा सके और इस सिलसिले में बजट मजकूरा महकमा का कामकाज ना होर बेहतर बनाने की तजवीज रखे। उन्होंने कहा कि बजट में तमीरात बारे तनाजा तेजी नाल हल करने वास्ते एक तरीकाकार कायम करने की तजवीज भी है ताकि निजी सरमायाकारा और तमीरकारा में एतमाद भरियो जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सलाहकार फारूक खान ने जिला राजौरी को दौरा ला गया। जिला इंतजामिया राजौरी की एक मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में जिला राजौरी के अंदर चल रहा बख-बख तरक्या के कामकाज को जायजा लियो गयो। डिप्टी कमिश्नर के इलावा कबायली अमूर महकमा का डायरेक्टर, महकमा बागबानी का डायरेक्टर ते कई दूजा आला अफसर इस मीटिंग में मौजूद था। इस मौके पर बोलता हुआ सलाहकार मौसूफ ने मुतलका अफसरों ने हदायत जारी की जे वे आम अवाम की शिकायतों ना तरजीही बुनियादों पर हल करें। उन्होंने मजीद किया कि जिला के अंदर चल रहा सारा तरक्याती कामकाज ना मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए। मरकजी सरकार की तरफों चलाई जा रही बख-बख फलाही स्कीमों बारे लोगों में बेदारी पैदा की जाए। उन्होंने मुतलका अफसरों ने हदायत जारी की कि वे मुस्तहिक अफराद ना इन फलाही स्कीमों में शामिल करें। इसके अलावा सलाहकार मौसू ने तहसील थाना मंडी ते जिला राजौरी का कई वफूद नाल मुलाकात कर गए, उनकी मुश्किल सुनी ते उनकी मुश्किल ना बेले सिर हल करने को यकीन दवाये। देहतरकत महकमा की सैकटरी शीतल नंदा ने जिला सांबा ते कठुआ में मुतलका अफसरों की एक मीटिंग तलब कर गए। इन जिला में मरकजी स्कीमों की अमल आदि बारे तफसीली जानकारी हासिल की। सैकटरी मसूफा ने यकीन दवाया जे सरकार देही ढांचा की तरक्की वास्ते हर मुमकिन माली मदद करने की वादाबंद है। उन्होंने मुतलका अफसरों ने हदायत जारी की जे वे ब्लाक सतह पर हो रहा तरक्याती कामकाज पर निगमी तक रखें और अपनी ब्लाक ना
मॉडल ब्लॉक की तर्ज पर तरजीह दें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरहाल में नशा मुक्त भारत का मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनका किया गया। इस सिलसिले में तहसील समाजी बहबूद दफ्तर राजौरी ने तालुक किया था। प्रोग्राम के दौरान प्रिंसिपल प्रोफेसर सुमनेश जसरोटिया ने तालब इल्म की हौसला अफजाई की जी वे इस बिदत से दूर रहें ते अपनी तालीम पर तवज्जा महसूस करें। उन्होंने तालब इल्म ने मशवरो दिया जी वे नशीले अदवियात से अपना आप ना दूर रखें ते अपनो मुस्तकबिल बचावें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा ने जिला समाजी बहबूद महकमा का तावन नाल एक सिंपोजियम का इनका किया। यह प्रोग्राम नशीली अदवियात की आदत छड़ान का मौजू पर मुनद किया गया। प्रोग्राम जिला में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बक बक इदारा में मुनद किया जा रहा प्रोग्राम का एक हिस्सा के तौर मुनद किया गया। मजकूरा प्रोग्राम अकवामे मुत्तहिदा तरक्यात प्रोग्राम की तरफ मुल्क का उन 272 जिला मुनद किया जा रहा है जित नशीली अदवियात अपना अरूज भरे। यह खबर तमाम आकाशवाणी जम्मू से सुन रहे हैं। मजीद खबर जम्मू कश्मीर पुलिस जरिए ने दसी है कि आज पुलिस ने दिल्ली का इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा से जैश मोहम्मद तंजीम वास्ते काम कर रहे एक आदमी ने गिरफ्तार किया है। इस आदमी की शराखत मुनीब सूफी के तौर की गई है। यह आदमी जम्मू कश्मीर का बीज बहाड़ा इलाका गोरे नालो है। पिछले साल हलाक हुआ पाकिस्तानी दहशतगर्द वलीद भाई नाल इसका ताल्लुकात था। एक मुकामी अदालत ने इस शख्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। कल शाम जिला राजौरी ते सरहदी हिफाजती फौज का दो कांस्टेबल लापता हो गया है। जरिए ने दस्यो है कि ये दो कांस्टेबल बीएसएफ कैंप सुंदरबनी में अपनी ड्यूटी पर तैनात था ते देर शाम लापता हो गया। इस सिलसिला में बीएसएफ बटालियन की तरफ सुंदरबनी पुलिस स्टेशन पर एक लापता रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। भारत में इस वेले तक 59,09,000 अफराद में कोविड-19 वायरस का खात्मा वास्ते टीका लाया गया है। तो पिछला 24 घंटे के दौरान पूरा मुल्क में 5,09,000 अफराद ने यह टीका लाया गया है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ जारी बयान में दस्यो गयो है कि मुल्क में कोरोना वायरस की शिफायाबी की शरह 97.1% हो गई है। तो पिछले 24 घंटे के दौरान 15,000 से ज्यादा मरीज इस वायरस से शिफायाब हुए हैं। वजारत ने दस्यो है कि आज तक इस वबा से तकरीबन 1,04,00,000 के मता अफराद शिफायाब हुए हैं। तो मुल्क में इस वेला कोरोना मुतहरिक मामलों की कुल तादाद 1,51,460 है। कल बीता जम्मू का कई जिला में कोविड-19 टीकाकारी को दूजो मरहला शुरू किया गया। इस मरहला के तहत महकमा पुलिस ते दूजा सिविल महकमा नाल जुड़े अफराद ना कोरोना वैक्सीन लाई जाएगी। इस सिलसिला में जिला डोडा का डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर डाइफाइड ने गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल डोडा में कोविशील्ड दवाई को टीका लगवाकर जिला के अंदर कोविड टीकाकारी का दूजा मरहला की शुरूआत की। इस मौके पर बोलता हुआ डीसी मौसूफ ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई ये दवाई काफी मुअसर है। तो कोविड टीकाकारी का पहला मरहला के दौरान दवाई हासिल कर चुके अफराद काफी सेहतमंद तंदुरुस्त है। उन्होंने मजीद दस्यो कि पहला मरहला के दौरान महकमा सेहत न जुड़े 1200 से मता अफराद ने कोविड टीका लगवाया है। उहा जिला तरकियाती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने भी कई दूजे अफसरों ने हमरा जिला अस्पताल पुंछ को दौरा लायो तो कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई दवाई हासिल करने के बाद जिला के अंदर कोविड टीकाकारी का दूजा मरहला की शुरूआत कर दी है। डीडीसी मौसूफ ने कहा कि यह दवाई कोरोना वायरस का खात्मा वास्ते काफी मुअसर है और लोगों ने अपील की गई है कि वे इस दवाई के खिलाफ उड़ रही झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने भी कोरोना टीकाकारी का दूजा मरहला की शुरूआत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने कई दूजे अफसरों के हमरा जिला अस्पताल में कोविशील्ड टीको लगवा गए इस मुहिम की शुरुआत की। जिला अस्पताल रियासी में भी कई आला अफसरों ने डीसी मौसूफा इंदु कवल चिप के हमरा कोविड टीका लगवा गए इस मरहला की शुरुआत की। डीसी मौसूफा ने अवाम ने यह पैगाम दिया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ये दवाई बहुत मुअसर है तो इन दवाइयों का इस्तेमाल ना ही कोरोना वबा को खात्मा मुमकिन है। राजौरी का ग्राम दसल सीरा में नामवर बुजुर्ग साई जान मोहम्मद को सालाना उर्स पाक पालक यानी 6 फरवरी पर उस नेचरवार न शुरू हो रही है। ऐतवार सवेरे 9 बजे उत दवाई कुल बह गई। पड़ोस का कई ग्राया ते उत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवके है। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गड्डियों की आवाजाही को सिलसिलो मुकम्मल बंद रखो गयो। शाहरा पर उधमपुर से बनिहाल तक चल रहा कामकाज के पेश नजर आज किसी भी गड्डी लारी ने शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। मारा रामबन के नुमाइंदा ने खबर दी है कि सिर्फ मुकामी गड्डिया नहीं शाहरा पर चलने की इजाजत लभी। पुलिस रिया ने दस्यो है कि फरवरी महीना का हर जुआ वाले दिन किसी भी गड्डी ने शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस महीने की 5, 12, 19 ते 26 तारीख ने शाहरा पर मुरम्मत का कामकाज के चलते किसी भी गड्डी ने शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ एम्बुलेंस ते हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की जाने वाली गड्डिया नहीं शाहरा पर चलने की इजाजत देगी।
इस किनारी गोजरी में खबर का यो बुलेटिन खत्म हुआ।